मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, पिछले विधानसभा के चुनाव में मैं 45 दिन हैदराबाद में और आसपास सिकंदराबाद वगैरह में था। सिर्फ एक सवाल है, और कांग्रेस पार्टी के लोग ये सवाल MIM के लोगों से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों से जरूर पूछे कि पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, बाद में दो हिस्से बन गए, तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र प्रदेश अलग हो गया। तेलंगाना में 119 MLA चुनाव लड़ते हैं, पिछले 40 सालों से मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब जब हुआ करते थे, सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, सलाहुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ 7 सीटों पर विधानसभा लड़ते थे 119 में, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। 119 सीटों में तेलंगाना में और हैदराबाद में सिर्फ ओवैसी साहब 7 सीटों पर चुनाव लड़ोगे, बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम कर अकलियत के लोगों को जगाकर वोट बटोर कर भारतीय जनता पार्टी को आप जिताना चाहते हैं। आपका मोदी से और अमित शाह से गठबंधन है, यह पैगाम देने की जरूरत है। ओवैसी साहब, अकलियतों के वोट को बांटकर अगर आप चाहते हैं कि भाजपा को और नीतीश कुमार को आप ताकत देंगे, तो किसी कीमत पर वो कामयाब होने वाला नहीं है। क्यों नहीं आप तेलंगाना में चुनाव लड़ते? 119 सीटों में कम से कम 50 सीट लड़ा दो, सिर्फ 7 सीट, कभी उससे आगे बढ़े नहीं। महाराष्ट्र में खराब करेंगे, यूपी में खराब करेंगे, बिहार में खराब करेंगे, दूसरी जो रियासतें हैं दिल्ली में खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जहां जहां कल्यती वोट है, कर्नाटक में करने की कोशिश की, जहां जहां कल्यती वोट है वहां वहां इस तरह से वो हमला करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे लेटेस्ट वीडियोस के साथ।